सूरज कंप्यूटर्स, आज हम आपको एक मॉडल के बारे में बता रहे हैं जो एक कॉमन फॉल्ट होता है इन मॉडल्स में। ये मॉडल है आपके पास आया हुआ है, एक बार मैं बता देता हूँ। मॉडल है HP DeskJet Inkjet Advantage 4535। ये ऑल इन वन प्रिंटर होता है, फोटो स्कैन का, आपका फ़ोटो कॉपी, प्रिंट, स्कैन, सब ऑल इन वन प्रिंटर होता है ये। एरर इसमें क्या आता है, एक कॉमन एरर इन मॉडल में होता है, ये 680 नंबर कार्टेज, 678 नंबर कार्टेज के प्रिंटर होते हैं। और भी मॉडल होते हैं इनमें, जैसे 3835 होता है, 3545 होता है, इस तरीके के प्रिंटर जो हैं ये अलग तरह का इनमें कैरेज लगता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इनमें आती है इनकम्पेटेबल कार्टेज। आप एक बार प्रॉब्लम फॉल्ट भी दिखाओ, क्या फॉल्ट शो करता है ये। इनकम्पेटेबल कार्टेज का प्रॉब्लम आता है। हमने इसमें कार्टेज भी चेंज करके देख लिया है, दूसरा कार्टेज भी लगाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। हमने कार्टेज लगाया फिर भी सेम ही एरर आ रहा था इसमें। तो इनमें क्या होता है, इनका कैरेज होल्डर, कैरेज ख़राब हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैरेज कैसा होता है, इसमें अलग तरह का कैरेज लगता है। कार्टेज इसकी 680 ही लगेगी, पर किसका कैरेज अलग होता है। इनका कैरेज थोड़ा कॉस्टली होता है नॉर्मल के मुकाबले। नॉर्मल प्रिंटर में आप कैरेज देखोगे 800-1000 रुपये तक के कैरेज आ जाते हैं, पर इनके कैरेज बहुत महंगे होते हैं, 2000 प्लस ही कैरेज मिलता है इनका, 2000-2500। ये 2-3 प्रिंटर में ही ये प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आपका एक मॉडल है ये आपका 4535 और एक होता है 3545, दोनों एक दूसरे के उल्टे मॉडल हैं और दोनों में यही प्रॉब्लम मोस्टली कॉमन होती है। एक में कार्टेज लगती है 678 और एक में कार्टेज लगती है 680 नंबर। तो मेरा मकसद यही था इस वीडियो को दिखाने का कि ये एक कॉमन फॉल्ट होता है इन मशीनों में। जब हम कार्टेज भी चेंज कर लेते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है ये कैरेज होल्डर की। अभी हम आपको कैरेज होल्डर चेंज करके इसका दिखाएंगे, एरर भी ख़त्म हो जाता है और सब ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार सूरज कंप्यूटर्स में आपको 678 कार्टेज, ये जो प्रिंटर है आपका 3545, इसकी कैरेज भी अवेलेबल होती है, कार्टेज भी अवेलेबल होती है। यदि आपको भी किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, आप हमें सूरज कंप्यूटर्स को कॉल करें। आपको कैरेज चाहिए, कैरेज भी मिलेगा, कार्टेज चाहिए, कार्टेज भी मिलेगा, कोई भी मॉडल हो आपका, दोनों 678-680 नंबर सभी में मिलता है। अभी हम आपको इस प्रिंटर को खोल के दिखाएंगे कि इसका कैरेज कौन सा कहाँ पे होता है और क्या कैसे लगता है ये, फिर उसके बाद इसको रेडी भी करके दिखाएंगे हम आपको। तो अभी हम इसको खोलते हैं प्रिंटर को, ये प्रिंटर हम खोल रहे हैं इसको। ये इस प्रकार आप इसका कैरेज देखोगे, ये इसका कैरेज होल्डर होता है। अमूमन ये इस तरह का नहीं होता है, हर मॉडल में सब तरह का अलग होता है, तो इसलिए ये कार्टेज, ये कैरेज इसका थोड़ा महंगा होता है।
इसका अलग तरह का कैरेज होता है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये इसलिए महंगा होता है, इसका कैरेज अलग तरीके का होता है ना, तो इस वजह से ये महंगा होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो हमने आपको इस वीडियो के जरिए दिखाया कि इसमें प्रिंटर में प्रॉब्लम क्या होती है और इसका कैरेज महंगा क्यों होता है। ये कारण है इसका कि ये महंगा होता है, और जब हम इसमें कैरेज चेंज कर देते हैं तो हमारा प्रिंटर ओके हो जाता है। तो आप ज़रूर एक बार हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, हमारे वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।